अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप पर लगी जो कीबोर्ड है वो नहीं चल रही है, काम नहीं कर रहा है, या फिर स्लो काम करता है, या फिर कभी काम करता है कभी काम नहीं करता है, फिर अटक अटक कर काम करती है, मतलब इस तरीके की अगर प्रॉब्लम आपके भी कीबोर्ड पर आ रही है, तो आज की इस वीडियो को अगर जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कीबोर्ड प्रॉब्लम की 100% वर्किंग सॉल्यूशन, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कंप्यूटर या लैपटॉप पर कीबोर्ड को लेकर बहुत सारी समस्याएं आती रहती है। तो आज की वीडियो में उन सभी प्रॉब्लम को मैं 100% वर्किंग सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूं। वीडियो को आखिर तक जरूर से देखते रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, स्वागत है आपका टेचकिंग संदीप यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटे को भी दबा लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं एक रखा है कंप्यूटर और यहाँ पर लगी है हमारा कीबोर्ड, और कीबोर्ड पर यहाँ पर लाइट आ रही है, मतलब हमारा कीबोर्ड चालू है देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कंप्यूटर पर जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं फंड चूज कर लेता हूँ इस तरीके से, कुर्ती देव दस, और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर टाइप नहीं हो रही, मतलब मैं कुछ भी यहाँ पर प्रेस करूँ आपके सामने देख सकते हैं, जबकि हमारा कीबोर्ड ऑन है देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं टाइप करूँ तो टाइप नहीं हो रही, मतलब हमारा कीबोर्ड काम ही नहीं कर रहा है, देख सकते हैं काम नहीं कर रहा है। तो अब इसे कैसे ठीक करें वो मैं आपको बताता हूँ। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि कभी कभी ये काम करता है, कभी कभी काम नहीं करता, या फिर कभी कभी एकदम स्लो भी काम करता है। तो अब मैं आपको फटाफट से इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए गाइस, कंप्यूटर या लैपटॉप पर जो कीबोर्ड है वो काम नहीं करता, या फिर स्लो काम करता है, या फिर अटक अटक कर काम करता है, या फिर कभी काम करता है कभी काम नहीं करता, इसका एक रीजन ये भी है कि आजकल के जितने भी कंप्यूटर या लैपटॉप आते हैं इन पर लोकल कीबोर्ड काम नहीं करती। इसे मैं खुद भी प्रैक्टिकल कर चुका हूं, जितने भी लोकल कीबोर्ड से जो आती है जो 100-200-300 रुपए मिलती है, ये कीबोर्ड जो है आजकल के सिस्टम्स पर काम नहीं करता, चाहे हम बात करें लैपटॉप की या फिर कंप्यूटर सिस्टम की, ये काम नहीं करता। और अगर काम करेगा तो एकदम स्लो काम करेगा, अटक अटक कर काम करेगा, या फिर कभी काम करेगा कभी काम नहीं करेगा। तो आपको करना क्या है, अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप पर कीबोर्ड काम नहीं कर रही है तो आपको करना क्या है, एक अच्छी खासी जो है कीबोर्ड खरीद लेनी, बाय कर लेनी है। और आज के डेट पे यार 1000 रुपये के अंदर में एक से कीबोर्ड मिल जाती है, ब्रांडेड से ब्रांडेड कीबोर्ड मिल जाती है। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, आप वो वाली कीबोर्ड को भी खरीद सकते हैं जो कि काफ़ी अच्छी कीबोर्ड्स है। और अगर आपके पास कोई अच्छी वाली ही कीबोर्ड रखे, आप महंगी कीबोर्ड को ही इस्तेमाल करते हैं फिर भी वो काम नहीं कर रहा, या फिर आपके लैपटॉप में जो पहले से कीबोर्ड लग के आया है वो काम नहीं कर रहा, तो आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस, अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप पर लगी जो कीबोर्ड है वो काम नहीं कर रहा, तो आपको सबसे पहले इस बात की ध्यान देनी है कि कहीं आपके कीबोर्ड के जो पिन है, यूएसबी पिन जो होती है, उस पर कहीं जंग थोड़ी लगा है। जैसे कि अगर मैं आपको सीपीयू पर दिखाता हूँ कुछ इस प्रकार से, देख सकते हैं यार हमारे सीपीयू, और यहाँ पर लगा है हमारा कीबोर्ड का पिन, देख सकते हैं यूएसबी पिन, और आपको देखने की कहीं इस पर जंग थोड़ी लगा है। जैसे कि मेरे जो सॉकेट है यहाँ पर देख सकते हैं पिन, इस पर जंग लगी हुई है, और शायद यही रीजन है कि काम नहीं करे। तो आपको भी इस बात को ध्यान देनी है कि आपका जो कीबोर्ड है उसके पिन पर कहीं जंग थोड़ी लगा है, और अगर जंग लगा है तो आपको उसको साफ कर लेनी है, क्योंकि जंग लगने की वजह से यह क्या स्पार्क करता है, जिसकी वजह से हमारा कीबोर्ड कभी काम करता है कभी काम नहीं करता। उसके बाद इसे साफ करने के बाद आपको हमेशा, आप चाहे नया कीबोर्ड का इस्तेमाल करें या फिर पुराना जो भी आपके पास कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड के पिन को हमेशा सीपीयू के नीचे वाले पॉइंट पर लगाना होता है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे यहाँ पर पोर्ट आपको दिखाई दे रहे हैं यूएसबी का, 1, 2, 3, 4 देख सकते हैं इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इसको हमेशा आपको नीचे वाला पॉइंट पर ही लगानी है, क्योंकि दोनों का वोल्ट अलग अलग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको कीबोर्ड का जो पिन है इसे हमेशा नीचे साइड पर ही लगाने, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, इसके बाद आपका जो कीबोर्ड है काम कर लेगा। और अगर इसके बाद भी आपका कीबोर्ड काम नहीं करता, या फिर आपके कीबोर्ड पर कोई भी प्रकार से कोई जंक वंक नहीं लगी पिन पर, या फिर आपका कीबोर्ड भी नया है फिर भी काम नहीं कर रहा, तो आपको अपने कंप्यूटर पर क्या सेटिंग करनी है उसको मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। तो इसके लिए चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की ओर। तो गाइस, कंप्यूटर या लैपटॉप पर कीबोर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ ऐसे सेटिंग्स से बता रहा हूँ जिससे करने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको स्टार्ट बटन पर क्लिक करनी है, यहाँ पर विंडो बटन पर आपको क्लिक करनी है, स्टार्ट विंडो अच्छी है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली कंट्रोल पैनल पर आ जानी है, और अगर आप विंडोज 7 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सीधा कंट्रोल पैनल का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, और अगर आप विंडोज 10 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर सर्च करना होगा CONT करके, यहाँ पर फिर देखने को आपको मिल जाएगा कंट्रोल पैनल। और फिर भी अगर आप कंट्रोल पैनल को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपके कंप्यूटर पर कंट्रोल पैनल नहीं आ रहा है, तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको उसका एक अलग से सेटिंग बताऊंगा अभी कि किस तरीके से हम जो है बिना कंट्रोल पैनल के कीबोर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। तो फिलहाल हम यहाँ पर कंट्रोल पैनल पर क्लिक करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल करके आएगा, तो यहाँ पर आपको ईज ऑफ एक्सेस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से ये आ जाएगा ईज ऑफ एक्सेस सेंटर, यहाँ पर आपको फिर से क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरीके की इंटरफेस आपके सामने आएगा, तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, देख सकते हैं यहाँ पर मिल जाएगा मैक द कीबोर्ड इरेजर टू यूज़, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है।
इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर ढेर सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे। आपको करना क्या होगा, फटाफट से सबको अनटिक करनी है। आप देख सकते हैं सब में टिक लगा है। ये होता क्या है, जब हमारा कंप्यूटर अपडेट होता है या फिर कुछ कारण से यहाँ पर जो सेटिंग है वो चेंज हो जाती है, डिफॉल्ट चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर आपको करना क्या, जितने भी टिक लगे सबको अनटिक करनी इस तरीके से। यहाँ पर देख सकते हैं टिक को हटा देनी है इस तरीके से, और सिर्फ ये वाला टिक रहेगा जो लिखा है यहाँ पर टर्न ऑन टॉगल की, सिर्फ यही वाला पे आपको टिक लगानी है, बाकी सबको अनटिक कर देनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर सेम इस प्रकार से आपको करना है। इसके बाद सिंपली आपको अप्लाई पर क्लिक करना है, इसके बाद सिंपली आपको ओके पर क्लिक कर देनी है, अप्लाई करके फिर ओके करनी है। बस इतना में आपका कीबोर्ड काम करना शुरू कर देगा। फिर भी अगर काम नहीं करता तो आपको क्या करना है, फिर से आपको क्लिक करना है इसी पर मैक द कीबोर्ड पर, और यहाँ पर देख सकते हैं आपको मिल जाएगा कीबोर्ड सेटिंग। तो आपको कीबोर्ड सेटिंग पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर SFS खुल जाएगा आपके सामने, एक विंडो खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपको हार्डवेयर पर क्लिक करनी है। हार्डवेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करनी है, और यहाँ पर ड्राइवर का ऑप्शन मिलेगा। और यही मेन खेल होता है, क्योंकि हमारा कीबोर्ड जो है तो क्या हमारे कंप्यूटर पर कीबोर्ड का ड्राइवर काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगर ड्राइवर ही काम नहीं करेगा तो फिर ये कोई मतलब का नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपके में यहाँ पर रोल बैक दिखा रहा है, आपको रोल बैक कर लेनी, ठीक है फ्रेंड्स। रोल बैक ड्राइवर पर आपको क्लिक करनी है अगर आपके में दिखा रहा है तो, या फिर नहीं दिखा रहा तो आपको छोड़ देना है इसको, ठीक है। लेकिन अक्सर होता है क्या है, जो अपडेट होने के बाद जो है हमारा जो ड्राइवर वो करप्ट हो जाता है, काम नहीं करता। तो यहाँ पर सिंपली आपको रोल बैक कर लेनी, इसके बाद सिंपली आपको ओके पर क्लिक करनी है, और यहाँ पर अप्लाई करके फिर से आपको ओके कर देनी इस तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आपको फिर से यहाँ पर अप्लाई करनी है, ओके करनी है। बस इतना करने के बाद आपको सिंपली बैक आ जानी है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो कीबोर्ड है वो 100% काम करेगा फ्रेंड्स, डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, काम करेगा मतलब करेगा। अब मैं आपको लाइव प्रूफ भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम पर कंट्रोल पैनल ओपन नहीं हो रही है तो आपको क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको करना है क्या, सिंपली विंडो पर क्लिक करनी है, की है यार स्टार्ट का है फिर विंडो का की है। यहाँ पर आने के बाद सिंपली आपको सेटिंग पर आ जानी है। सेटिंग पर आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको मिल जाएगा इज ऑफ एक्सेस, यहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा देख सकते हैं कीबोर्ड का ऑप्शन, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। और यहाँ पर आने के बाद जो हमने कंट्रोल पैनल पर जाकर जिसे हमने डिसेबल किया था, ऑफ किया था, अनटिक किया था, वही वाला सेटिंग यहाँ पर आपको मिल जाएगा देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर आ गया सब चीज़, और ये पहले से ऑन रहेगा और इन सब पर टिक लगा रहेगा। जो हमने वहाँ पर अनटिक किया है, जो पहले टिक लगा तो उसे हमने अनटिक किया है, सेम यहाँ पर भी आपको ऐसा देखने को मिलेगा। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, इसको सबको अनटिक करनी इस तरीके से, अनटिक करने के बाद इसको ऑफ कर देनी है, बस इतना ही आपको करना है। मतलब दोनों सेम ही है, हम वहाँ पर किए थे और विंडोज 10 पर हम यहाँ पर करेंगे, बाकी सेम प्रोसेस रहेगा। देख सकते हैं ऐसा ही सेटिंग आपके पास भी होना चाहिए। इसके बाद सिंपली आपको कट कर देनी है, फिर आप देखेंगे कि आपके कंप्यूटर में जो कीबोर्ड प्रॉब्लम है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगी फ्रेंड्स। और अगर इसके बाद भी आपके कंप्यूटर पर कीबोर्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो आपको क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूँ। और सबसे लास्ट ट्रिक है और एकदम ब्रह्मास्त्र, 100% ये काम करेगा। आपको करना क्या है, सिंपली आपको अपने कंप्यूटर को फैक्ट्री डाटा रीसेट कर देनी है। मैं आपको बता दूँ, इस पर आपका किसी भी प्रकार कोई भी डाटा लॉस नहीं होगा, कोई भी आपका जो डाटा है वो गायब नहीं होगा, डिलीट नहीं होगा। सिंपली आपको अपने कंप्यूटर को फैक्ट्री रीसेट करनी है। कैसे करते हैं अगर आपको नहीं पता तो इस पर मैंने वीडियो बना दिया है, आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर अपने कंप्यूटर को रीसेट कर लीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके कंप्यूटर पर जो भी समस्या आ रही, कीबोर्ड की क्या बात है, कोई भी समस्या है, वो परमानेंटली सॉल्व हो जाएगी फ्रेंड्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे को भी दबाएं, और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यार आप तो वीडियो देखकर चले जाते हो, लाइक करने में क्या जाता है यार, आप लाइक करो वीडियो को, आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और इस तरीके के और भी कंटेंट में आपके लिए फिर लेकर आता ही रहूंगा। और हाँ, अगर अभी तक आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर आईडी है संदीप पटेल 72, वहां पर मुझे फटाफट से फॉलो कर सकते हो, उस पर भी मैं नए पोस्ट लेकर के आते रहता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मैं देखने वीडियो अपने टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।